उत्तर प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन रसोईया के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश संयोजक के नेतृत्व में 6 माह के बकाया मानदेय के भुगतान व अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन रसोईया के प्रदेश संयोजक साधना पांडे ने बताया कि जनपद के रसोईया का 6 महीने का मानदेय बकाया है और सरकार ने 500 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है तथा अभी भी 6 महीने का भुगतान बकाया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि सभी रसोइयों का 6 महीने का भुगतान एक मुश्त किया जाए। इस अवसर पर प्रेमलता पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मिड डे मील वर्कर्स यूनियन रसोईया की प्रदेश संयोजक साधना पांडे ने कहा, जी मैं साधना पांडे, मैं प्रदेश संयोजक कॉमरेड साधना पांडे उत्तर प्रदेश। आज ये प्रदर्शन आप लोग, ये रसोईया बहने हैं, इन लोगों का मानदेय जो है 6 महीने से रुका हुआ है, उसका सरकार जो है तत्काल भुगतान करे और जो कोर्ट माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया है हाई कोर्ट ने, उनको सरकार लागू करे, नहीं तो हम रसोईया बहने धरना के लिए बाध्य होंगे और अनिश्चितकालीन बैठेंगे हम लोग, और इनका 21,000 मानदेय करें, इनको राज्य कर्मचारी घोषित करें, इनका पेंशन और इनका बीमा सुनिश्चित करें। शिकायत की थी आप लोगों ने जो बकाया मांग जी, अभी 28 तारीख को अक्टूबर में धरना हम लोगों ने किया था, तो उसमें तनख्वाह इन लोग गया, लेकिन किसी का 2 महीने गया, किसी का 4 महीने का गया, इस तरह से गया है, पैसा सबका पूरा नहीं गया, एक मुश्त इन लोगों का भुगतान किया जाए। ये हमारी सरकार से अपील है कि इन लोगों का जो मानदेय रुका हुआ है वह एक मुश्त भुगतान करें।